देश के फैसले परदेश में होंगे। पाकिस्तान में सियासी तनाव और अहम तकर्री का मामला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मिस्र से पाकिस्तान आने के बजाय लंदन नवाज शरीफ से मिलने रवाना हो गए, जहां वो आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। लॉन्ग मार्च इमरान खान पर कातिलाना हमले की बात की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में अहम तकर्री पर भी बात होगी। वजीर आजम की कुछ ही अरसे में नवाज शरीफ से ये दूसरी मुलाकात होगी जो आज होने जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मिस्र में थे और मिस्र के दौरे के बाद वो लंदन पहुँच गए हैं। देश के फैसले परदेश में होंगे। पाकिस्तान में सियासी तनाव और अहम तकर्री का मामला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मिस्र से पाकिस्तान आने के बजाय लंदन नवाज शरीफ से मिलने रवाना हो गए, जहां वो आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। लॉन्ग मार्च इमरान खान पर कातिलाना हमले की बात की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में अहम तकर्री पर भी बात होगी। वजीर आजम की कुछ ही अरसे में नवाज शरीफ से ये दूसरी मुलाकात होगी जो आज होने जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मिस्र में थे और मिस्र के दौरे के बाद वो लंदन पहुँच गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर वन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।